आज शाम को एक नलसरोवर के गाइड ने फोन करके बताया, सर 3 रेयर बर्ड्स आए हैं और साइटिंग भी अच्छी हो रही है, तुम आ जाओ। बस ये खबर सुनते ही हम 4 फ्रेंड्स तुरंत निकल पड़े। गुजरात के सड़क सचमुच बहुत अच्छे हैं। रात का 1 बज गया था, सभी को बहुत भूख लगी थी। रास्ते में खाना खाने के लिए हम लोग थोड़ी देर रुक गए और फिर हमारा सफर चालू हो गया। सवेरे के 7:15 बजे हैं, हम लोग नलसरोवर के चौकड़ी पर पहुंच गए हैं। यही पिकअप पॉइंट है, यहाँ पे सब गाइड टूरिस्ट से मिलते हैं और वहाँ से उन्हें सरोवर के लिए लेके जाते हैं। इतने सवेरे चाय पीने का मजा कुछ और ही है। हमारा गाइड आ गया, अब हम टिकट काउंटर जाएंगे। नल सरोवर एरिया में आते ही 1 किलोमीटर के पहले ही एंट्री टिकट लेना होता है, इसके बाद ही बोटिंग एरिया जा सकते हैं। इसी विंडो पर पार्किंग टिकट भी मिल जाता है। वहां से टिकट निकालकर हम कार पार्किंग की तरफ निकल पड़े। आगे कुछ ही दूरी पर कार पार्किंग है और सरोवर में जाने के लिए बोट भी वहीं से मिलती है। कार पार्क करके और कैमरा लेके हम लोग बोट की तरफ निकल पड़े। नल सरोवर अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बर्ड सेंचुरी है। इसका एरिया 121 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस पूरे जलीय क्षेत्र में छोटे बड़े 360 आइलैंड हैं। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 9 फीट और न्यूनतम 2 फीट है। ये सरोवर भारत की सबसे बड़ी वाटर बर्ड सेंचुरी में से एक है। टूरिस्ट और बर्ड वॉचर्स को नल सरोवर काफी पसंद आने वाली जगह है। यहाँ आने का सही मौसम बरसात और सर्दियों का है, उसी समय आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा माइग्रेटरी पक्षियों को देख सकते हैं। नल सरोवर का पानी एकदम साफ है और इसमें मछलियाँ और वाटर अलगे भी देख सकते हैं। ये सामने डाल्मेशियन पेलिकन और रूडी शेल्डक का जोड़ा है। हमारा पहला आइलैंड आ गया है। ये ब्लैक टेल्ड गोडविट है। ये ग्रेसफुल प्रिनिया है। ये इसाबेलन श्राइक है।
ब्लैक विंग टिल्ट, यूरेशियन टिल्ट, जिसके लिए इतनी दूर से आए हैं वो थोड़ा आगे है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। घास के पीछे स्पॉट हुआ है, आवाज किए बिना अगर शांति से बैठेंगे तो ये जरूर बाहर आ जाएगा। यही है मार्बल टिल, रेयर बर्ड है और हमारे सभी का लाइफर भी है। पहले भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रजनन करती थी, लेकिन अब ये दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी इटली, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और व्यापक लेवेंट में कुछ स्थानों तक ही सीमित है। पूर्व में ये दक्षिणी इराक और ईरान में मेसोपोटामिया की दलदली भूमि के साथ साथ आर्मेनिया, अजरबैजान, दक्षिण यूरोपीय रूस, पश्चिमी भारत और पश्चिमी चीन में अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। बहुत अच्छा साइटिंग हुआ है, सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी लोग बहुत खुश होकर दूसरे आइलैंड की ओर निकल पड़े। पर्पल हेरॉन, ये है इंडियन कॉर्मोरेंट, अपने पंख सूखा रहा है। स्वैम्प हेन, ब्राउन हेडेड डक्स, जो टूरिस्ट नेचर को नहीं समझते, ये से टूरिस्ट फोटो निकालने के लिए इन्हें कुछ भी खिलाते हैं, जो कि ये उनका आहार नहीं है। ऐसा खाना बर्ड्स के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रेड व्हिटेल लैपविंग, लिटिल ईग्रेट। अब हम दूसरे टापू पे पहुंच गए हैं। व्हाइट टेल लैपविंग, यही है हमारा दूसरा लाइफर। जैसे ही पहुंच गए वो हमारे सामने ही था, जैसे कि हमारा ही इंतजार कर रहा हो। यह इराक, ईरान और दक्षिणी रूस में अंतर्देशीय दलदलों पर अर्ध औपनिवेशिक रूप से प्रजनन करता है। जमीन पर बने घोंसले में 4 अंडे दिए जाते हैं। मुख्य रूप से इराकी और ईरानी प्रजनक यहाँ के निवासी हैं, लेकिन रूसी पक्षी सर्दियों में दक्षिण से भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व अफ्रीका की ओर पलायन करते हैं। ये पश्चिमी यूरोप में एक बहुत ही दुर्लभ प्रवासी पक्षी है। सभी को बहुत ही अच्छे शॉट्स मिले हैं। हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और धूप भी बहुत लग रही है। ऐसी धूप में बर्ड साइटिंग भी बहुत कम हो जाती है और फोटो भी अच्छे नहीं आते हैं। ब्राउन हेडेड गल्स का फ्लॉक एक छोटे से टापू पे बैठा है। एक टन इंजर्ड है, शायद उड़ नहीं पा रहा है। हमारा गाइड उसे लेकर आ रहा है, देखते हैं क्या हुआ है उसे। इंजर्ड तो नहीं लग रहा है, तो गाइड ने उसे वापस वहीं छोड़ दिया। सभी को जोर की भूख लगी थी और एक लाइफर भी बचा था, तो हम खाना खाके वापस आने के इरादे से वहां से वापस निकल पड़े। खाना खाके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही कड़ी धूप है। हम वापस चौकड़ी पे आ गए, वहीं से गाइड हमें दूसरे टापू पे लेके जाने वाला है। उस जगह हम पहुंच गए हैं जहां से बोट निकलती है। बोट बिल्कुल रेडी है। ये गांव के बच्चे इस कड़ी धूप में ठंडे पानी में नहाने का आनंद ले रहे हैं।
टापू पे उतरते ही गाइड ने हमें उस बर्ड का लोकेशन दिखा दिया और थोड़ी दूरी पे है। हम बिल्कुल आवाज किए बिना उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बर्ड को डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम थोड़ी दूर जाकर बैठ गए और फिर बर्ड का हमारे पास आने का इंतजार करने लगे। सामने बहुत सारे बर्ड्स फीडिंग कर रहे हैं, उसी में से हमारा टारगेट बर्ड ढूंढना है जिसके लिए हम आए हैं। वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। बार हेडेड गूज की एक जोड़ी है, बस उसी की बाजू में वो हमें दिखाई दिया। रेड ब्रेस्टेड गूज, यही है हमारा तीसरा लाइफर। रेड ब्रेस्टेड गूज आर्कटिक साइबेरिया में प्रजनन करते हैं, मुख्य रूप से तैमिल प्रायद्वीप पर, यागा और यमल प्रायद्वीप में छोटी आबादी के साथ। अधिकांश सर्दियां बल्गेरिया, रोमानिया और यूक्रेन में काला सागर के उत्तर पश्चिमी तटों पर होती है, लेकिन कुछ सर्दियां अजरबैजान में होती है। ये ग्रेट ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों में एक दुर्लभ बर्ड है, जहां ये कभी कभी ब्रेंट या बानल बीज के झुंडों के साथ पाया जाता है। इस तरह से हमारा ये तीनों लाइफर का मिशन सक्सेसफुल रहा। शाम के 6:30 बज गए। जाते जाते श्रब लैंड में हमें इंडियन फॉक्स की बढ़िया साइटिंग हुई। एक तरह से ये सोने पे सुहागा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।